जय दोस्तों, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। अपने परिवार का इस मुसीबत के समय में ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड, चाइना जो है ना, अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। हुआ क्या है कि चाइना का सोशल मीडिया साइट पे एक पोस्ट किया गया है जिसका नाम है वीबो। ठीक है, वीबो एक सोशल मीडिया साइट है, जिस प्रकार हमारे यहाँ फेसबुक है, ठीक उसी प्रकार वहाँ एक वीबो है। ठीक है, उस पर एक पोस्ट किया गया है और भारत के साथ गंदा मजाक किया गया है। जो लोग भारत में पर डे, आप जान रहे हैं कि लगभग 3,500 लोग पर डे डेथ हो रहा है कोरोना से, तो उन्हीं के ऊपर में वहाँ एक पोस्ट दिखाया गया है, यानी लाइटिंग ए फायर इन चाइना वर्सेस लाइटिंग ए फायर इन इंडिया। कहने का मतलब यह है कि यहाँ आप पोस्ट में देखिए कि एक तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि रॉकेट है और एक तरफ दिखाया जा रहा भारत में मरने वालों, जो लोग क्रिमिनेशन प्रोसेस, जो शव जलाया जा रहा है। मतलब चाइना वाले बोल रहे हैं कि हम लोग जो है इस समय रॉकेट उड़ा रहे हैं उसी फायर से, उसी आग से, और आप इंडिया वाले जो है लाशें जला रहे हैं उसी आग से। तो भारत के साथ बहुत ही गंदा मजाक किया गया है वीवो के वेबसाइट पे। बात कर ले वीवो के, तो वीवो के कम से कम 15 करोड़ फॉलोअर हैं, जिस प्रकार फेसबुक के बहुत सारे फॉलोअर हैं, उसी प्रकार वीवो जो है ना उसके 15 करोड़ फॉलोअर हैं। और यह वीवो जो है डायरेक्ट रूप से चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल पे है। और इसी वीबो के वेबसाइट में माननीय कोत्से द्वारा एक पोस्ट किया गया, हालांकि बाद में इस पोस्ट को जो है वह डिलीट कर दिया गया। शनिवार की घटना है, और याद रखिए शनिवार के ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को सी जिनपिंग द्वारा मोदी जी को फोन किया जाता है, हेलो सुनिए, हाँ आपको जो भी मदद चाहिए हम आपको मदद करेंगे, हम चाइना आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं, बस एक दिखावटी देन दिखाने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हो रहा यहाँ उल्टा है, यहाँ भारत के साथ जो है ना मजाक किया जा रहा, COVID-19 से मरने वाले के साथ काफ़ी ज़्यादा मजाक किया जा रहा है। हालांकि चाइना के लोग उतने भी बुरे नहीं है, उनकी सिंपैथी हमारे साथ है। जब यह पोस्ट किया गया तो 9,000 बार इस पोस्ट को शेयर किया गया। बाद में जो पोस्ट डाला गया है तो उसके ऊपर कई कमेंट आना शुरू हुए, प्रतिक्रिया शुरू हुआ कि ये गलत है, अरे इस संकट की घड़ी में भारत का साथ होना चाहिए, वे हमारे पड़ोसी मुल्क है, ऐसा कई प्रतिक्रिया आए और बाद में इसको डिलीट कर दिया गया। वहाँ के चाइना के एक रिसर्चर हैं डोंग मेंग्यू, उन्होंने भी भारत में जो इस तरह से प्रतिक्रिया भारत के खिलाफ की गई है तो उस पर एफोलाइज किए, माफ़ी मांगे, भारत के को सॉरी कहें कि नहीं ये चाइना की तरफ से गलती हुई, चाइना के लोगों के द्वारा इस तरह का पोस्ट नहीं करना चाहिए था डोंग मेंग्यू के द्वारा, यार जो एक रिसर्चर उनके द्वारा। इसके साथ साथ चाइना की जो सबसे बड़ी, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि न्यूज एजेंसी है, ग्लोबल एजेंसी, उन्होंने भी कहा है कि अरे कुछ तो शर्म करो, मानवता क्या मर चुकी है तुम लोगों की, इंडिया के प्रति सिंपैथी करो, ये वैसा समय नहीं है जब उनके ऊपर कुछ मजाक किया जाए। तो तरह तरह के इसके ऊपर प्रतिक्रिया आई है और लास्ट में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। तो चाइना, मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है आज इंडिया की स्थिति खराब है, आज इंडिया का दिन खराब है, आपका दिन सही है, लेकिन इतना जान लीजिए आज जो हम लोग कोरोना से, इतना हम लोग गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं, ये आप ही की ही देन है। वुहान से निकला हुआ यह वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं आएंगे जब आप जो है पूरे वर्ल्ड के मैप में, ये वर्ल्ड के मैप से आपका नामो निशान मिट जाएगा। आज आप हंस लीजिए, आज इंडिया के प्रति कर लीजिए कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, लेकिन ध्यान रखिएगा सब इसी प्लैनेट में, सब इसी दुनिया में संभव है। ठीक है, तो आपका हंसी एक दिन आपके आंखों में आंसू नहीं आ जाए तो कहिएगा। तो ये गंदा मजाक काफ़ी किया गया, तो इस तरह का मजाक कम से कम इस समय में नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप लोग अपने अंदर मानवता को जिंदा रखिए, हो सके घर से बाहर मत निकलिए, सुरक्षित रहिए, जितना जरूर हो सके उतना ही बाहर निकलिए, क्योंकि स्थिति रियली में बहुत ख़राब है। बाहर में सड़कों पे देखिए, तो अगर आप गए हैं तो इतना जान लीजिए, ऐसा सोच के जाइए कि मेरे सामने वाला जो है वह कोविड पॉजिटिव है, और मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, जय हिंद।